I'm your tutor and guide, Dr. Manoj Pipar. Today, we are going to discuss a new lesson, Trouble in Bohemia, composed by Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle was born in England on 22nd May 1859 and he died on 7th July 1930. In 1887, he created a famous fictional character, Sherlock Holmes. He wrote some science fictions, historical novels, and poems also. But his biggest creation was Sherlock Holmes. एक अजनबी विदेशी पोशाक में एक दिन Sherlock Holmes के रूम पर आया। उसने ये दिखाने की कोशिश की कि वो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है। Sherlock Holmes ने उसे पहचान लिया और महाराजा कहकर संबोधित किया। उस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया वो बोहेमिया का राजा है। उसने Sherlock Holmes को बताया। राजा बनने से 5 वर्ष पहले वो वारसा गया था। वहां उसकी मुलाकात फेमस और ब्यूटीफुल अमेरिकन एक्ट्रेस आयरन एडलर से हो गई। दे बोथ फेल इन लव विद वन अनदर। उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। क्योंकि आयरन एडलर किसी शाही घराने से नहीं थी, इसीलिए राजा उससे विवाह नहीं कर सकता था। ये ऐसा दबाव था उस पर, उसे एक पड़ोस की राजकुमारी से विवाह करने की हां करनी पड़ी। जो ही आयरन एडलर को इस बात का पता चला, उसने राजा को धमकी दी कि वो लेटर्स और फोटोग्राफ वो उस राजकुमारी के पास भेज देगी और उसे अपने रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दे। होम्स ने पूछा, क्या एडलर पैसा चाहती थी? तो राजा ने कहा, नहीं, वो ऐसी लेडी नहीं है, ऐसी लड़की नहीं है। वो सिर्फ ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो उससे प्यार करती है और वो किसी और से उसे विवाह नहीं करने देना चाहती। अगले दिन मॉर्निंग में होम्स बाहर गया। अपना सारा दिन लगभग आयरन एडलर के घर के आसपास ही बिताता है। बाकी टैक्सी ड्राइवर से बात करता है। शायद हो सकता हो उसे मौका मिला हो उस डुप्लीकेट भेस में आयरन एडलर से बात करने का भी, और उसने उसके बारे में काफी जानकारियां प्राप्त। होम्स ने यह भी पता लगाया कि उसी मॉर्निंग को एडलर अपने ओल्ड लॉयर फ्रेंड गॉडफ्रे नॉर्टन से विवाह कर चुकी थी। उसने कहा, हो सकता है कि एडलर खुद अच्छी लेडी हो, परंतु उसका लॉयर वकील कोई भी अनुचित फायदा उठा सकता है इन लेटर्स और फोटोग्राफ का। इसलिए वो हर हाल में जल्द से जल्द उन लेटर्स और फोटोग्राफ को पाना चाहता था। जब वो कैब ड्राइवर के रूप में सारी बातों का पता लगाकर घर लौटता है, उसे अपने गेट के पास अपना मित्र मिलता है। उसे वो सारी बातें बताता है और उसी समय एक युवा व्यक्ति उधर से निकलता है और उसे गुड नाइट विश करता है Sherlock Holmes कहकर। Sherlock Holmes एकदम होता है कि ये कौन आदमी है कि जो मुझे इस प्लेस में भी पहचान गया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो एक ओल्ड प्रिस्ट के रूप में आयरन एडलर के घर के सामने जाता है, वहां उसके घर के सामने खड़ा रहता है और जब वो अपनी डेली राइड से लौटती है बेहोश होने का नाटक करता है। लोग उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं। Sherlock Holmes को आयरन एडलर के कहने पर उसके लिविंग रूम में ले जाकर लेटा दिया जाता है। Sherlock Holmes के इशारे पर उसका फ्रेंड कुछ जलते हुए कागज घर में फेंकता है। नौकर आग आग चिल्लाता है और जैसा कि Sherlock Holmes को उम्मीद थी, आयरन एडलर उस सीक्रेट प्लेस की तरफ दौड़ती है जहां उसने लेटर्स और फोटोग्राफ छुपाए थे। पर जब उसे लगता है कि आग छोटी सी है तो वो वापस लौट जाती है। नेक्स्ट डे जब Sherlock Holmes राजा और कुछ सोल्जर्स के साथ वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि आयरन एडलर अपने पति के साथ जा चुकी है और नौकर भी घर से जा चुके हैं। वो जल्दी से उस सीक्रेट प्लेस की तरफ जाता है जहां लेटर्स और फोटोग्राफ छुपे हुए थे। उन लेटर्स और फोटोग्राफ के साथ एक और लेटर मिलता है। उसने लिखा होता कि डियर होम्स, मुझे पहले ही पता था कि राजा हेल्प लेने के लिए तुम्हारे पास जाएगा, इसलिए मैंने तुम पर नजर रखी थी। उसने यह भी लिखा कि मैं जब तुम टैक्सी ड्राइवर के रूप में आए थे तुम्हें पहचान नहीं थी। मत भूलो कि मैं एक एक्ट्रेस हूं और मेकअप की दुनिया में ही रहती हूं। मैंने तुम्हें ड्राइवर के मेकअप में पहचान लिया। तुम्हारे पास से जो युवा व्यक्ति तुम्हें गुड नाइट विश करते हुए निकला था वो मैं ही थी। आज जब मॉर्निंग में तुम प्रिस्ट के रूप में आए थे तब भी मैं तुम्हें पहचान ली, परंतु अब ये लेटर्स और फोटोग्राफ मेरे किसी काम के नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारे राजा से अच्छे व्यक्ति से विवाह कर लिया है जो मुझे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करता हूं। अब ये लेटर्स और फोटोग्राफ अपने राजा को दे देना।
शर्लक होम्स जिसे अपनी चालाकी समझ रहा था, उसे महसूस हुआ कि आयरन एडलैंड ने उसे उसी के गेम में बीट कर दिया है, हरा दिया है। उस दिन के बाद से शर्लक होम्स जब भी आयरन एडलर की बात होती तो उसका नाम सम्मान से लेता, क्योंकि उसके जीवन में आयरन एडलर कुछ चुनिंदा लोगों में से थी जिन्होंने प्रूव किया था, क्योंकि वो भी शर्लक होम्स की तरह ही इंटेलिजेंट और क्लेवर है। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द किंग वांट हिज लेटर्स एंड फोटोग्राफ बैक। राजा अपने लेटर्स और फोटोग्राफ वापस क्यों चाहता था? सीधा आंसर, आयरन एडलर हैड द किंग्स फोटोग्राफ एंड लव लेटर्स। आयरन एडलर के पास राजा की फोटोग्राफ और लव लेटर्स थे। शी वॉज गोइंग टू गिव, वो देने जा रही थी ऑल दीज थिंग्स, इन सारी चीजों को, टू द प्रिंसेस, उस राजकुमारी को, whom, जिससे द किंग वॉज टू मैरी, राजा को शादी करनी थी। देयरफॉर इसीलिए द किंग वॉन्टेड हिज लेटर्स एंड फोटोग्राफ बैक। राजा अपने पत्र और फोटोग्राफ वापस चाहता था एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर शर्लक होम्स डिस्गाइज टू सॉल्व द केस। इस केस को सोल्व करने के लिए शर्लक होम्स ने क्या क्या भेष बदले? सीधा आंसर, शर्लक होम्स वॉज अ डिटेक्टिव। शर्लक होम्स एक जासूस था। ही हैड टू डिस्गाइज हिमसेल्फ, उसे भेष बदलने पड़ते थे टू सॉल्व द केसेस, केसेस को सोल्व करने के लिए। ही डिस्गाइज हिमसेल्फ, उसने खुद का रूप बदला। फर्स्ट, पहले एज एन ओल्ड कैब ड्राइवर, एक बूढ़े टैक्सी ड्राइवर के रूप में, एंड देन, और फिर एज अ प्रीस्ट, एक पुजारी के रूप में, एंड प्रिटेंड टू फेंट। नाउ द नेक्स्ट वन, वेयर डिड मिस एडलर हाइड। मिस एडलर ने कहां छुपाया द लेटर्स एंड फोटोग्राफ्स, लेटर और फोटोग्राफ? सीधा आंसर, मिस आयरन एडलर हिड द लेटर्स एंड फोटोग्राफ। मिस आयरन एडलर ने लेटर्स और फोटोग्राफ को छुपाया था इन ए सीक्रेट प्लेस, एक रहस्यमय स्थान पर, इन वन ऑफ द वॉल्स, दीवारों में से एक से, ऑफ अ लिविंग रूम, अपनी लिविंग रूम, अपनी बैठक की दीवारों में से एक में, जो गुप्त स्थान था, वहीं उसने उसे छुपाया था। इट वॉज द सेम रूम, ये वही कमरा था, टू विच जिसमें शर्लक होम्स वाज टेकन, शर्लक होम्स को ले जाया गया था। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द किंग राइट लेटर्स। राजा ने पत्र क्यों लिखे टू आयरन एडलर, आयरन एडलर को? सीधा आंसर, द किंग हैड फॉलन इन लव विद आयरन एडलर। राजा को आयरन एडलर से प्यार हो गया था व्हेन ही वाज ऑन ए विजिट टू वॉर्सा, जब वो वॉर्सा घूमने के लिए गया था। शी वॉज अ ब्यूटिफुल अमेरिकन एक्ट्रेस, वो एक खूबसूरत अमेरिकन हीरोइन थी। ही रोट लेटर्स टू हर, उसने उसको पत्र लिखे थे टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर हर, उसके प्रति अपने प्यार को दिखाने के लिए। द नेक्स्ट वन, व्हाई कुड द लेटर्स नॉट बी प्रूव्ड फॉल्स। उन लेटर्स को फॉल्स प्रूव क्यों नहीं किया जा सकता था? सीधा आंसर, द लेटर्स कुड नॉट बी प्रूव्ड फॉल्स, उन लेटर्स को फॉल्स प्रूव नहीं किया जा सकता था, बिकॉज, क्योंकि दे वर रिटन, वो लिखे हुए थे ऑन द किंग्स ऑन प्राइवेट पेपर्स, राजा के खुद के प्राइवेट पेपर्स पर, एंड इन हिज ऑन राइटिंग, और उसकी खुद के लेख में, वो लेटर्स राजा के पर्सनल प्राइवेट पेपर्स पे, उसकी खुद की राइटिंग में लिखे हुए थे। बोथ दीज थिंग्स प्रूव, ये दोनों चीजें प्रमाणित करती थी दैट द लेटर्स वर रिटन, कि वो पत्र लिखे गए थे बाय द किंग हिमसेल्फ, खुद राजा के द्वारा। सी द नेक्स्ट वन, व्हाई वाज शर्लक होम्स इंटरेस्टेड। शर्लक होम्स क्यों रुचि रखता था इन गेटिंग द लेटर्स, लेटर्स को पाने में, एंड फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ को पाने में, एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी। शर्लक होम्स वांटेड टू गेट, शर्लक होम्स पाना चाहता था द लेटर्स एंड फोटोग्राफ्स, उन लेटर्स और फोटोग्राफ को, एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी, बिकॉज ही फियर, क्योंकि उसे डर था दैट आयरन एडलर, कि आयरन एडलर का लॉयर हस्बैंड, वकील पति, माइट टेक, ले सकता था अनड्यू एडवांटेज ऑफ देम, उनका अनुचित लाभ। सी द नेक्स्ट वन, व्हाट ट्रिक, कौन सी ट्रिक डिड शर्लक होम्स यूज, शर्लक होम्स ने काम में ली टू फाइंड द प्लेस, उस जगह को ढूंढने के लिए वेयर द लेटर्स एंड फोटोग्राफ्स वर हिडन,
जहां पत्र और फोटोग्राफ छुपे हुए थे. सीधा आंसर, शर्लक होम्स डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ. शर्लक होम्स ने भेष बनाया एज ए प्रीस्ट, एक पुजारी का, एक पादरी का. ही वॉज वॉकिंग, वो चल रहा था, घूम रहा था इन फ्रंट ऑफ मिस आयरन एडलर हाउस, मिस आयरन एडलर के घर के सामने. When she returned home, जब वो घर लौटी from her daily ride, रोज घुमाई से, in the park, park में, and was about to step down, और वो उतरने ही वाली थी from her cab, अपनी टैक्सी से. Holmes pretended to faint. Holmes ने बेहोश होने का बहाना बनाया, नाटक किया. Many people came forward to help him. बहुत से लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आए. Miss Iron Adler asked them. मिस आयरन एडलर ने उनको कहा टू कैरी होम्स इन टू हर हाउस, होम्स को अपने घर में लाने के लिए. दस शर्लक होम्स एंटर हर हाउस, इस प्रकार शर्लक होम्स उसके घर में घुस गया. देन एट हिज सिग्नल, फिर उसके संकेत पर, हिज फ्रेंड थ्रू, उसके दोस्त ने फेंके सम बर्निंग पेपर्स, कुछ जलते हुए कागज, इन टू हर लिविंग रूम, उसके लिविंग रूम में, उसकी बैठक में. इट वॉज हिज प्लान, ये उसकी योजना थी, to find out the hidden place, उस छुपे हुए स्थान को देखने की, of the letters and photograph, जहां letters और photograph थे. A servant cried that there was fire, एक नौकर चिल्लाया कि आग लगी थी. Iron Adler ran, Iron Adler दौड़ी to the place, उस स्थान की तरफ, where she had hidden, जहां उसने छुपाया था, the letters and the photograph, letter और photograph. Thus, इस प्रकार, Adler herself showed, Adler ने खुद दिखा दिया होम्स, होम्स को, where the letters and photograph were hidden, कि लेटर और फोटोग्राफ कहां छुपे हुए थे. इन दिस वे, इस प्रकार से, he came to know, उसने जाना about it, इसके बारे में. he planned to come the next day, उसने अगले दिन आने की योजना बनाई to get the letters and the photograph, letters और फोटोग्राफ को लेने के लिए. see the next question, discuss the character of Miss Iron Adler. Miss Iron Adler का चरित्र डिस्कस कीजिए. सीधा आंसर, Miss Iron Adler was an American actress. Miss Iron Adler एक अमेरिकन नेत्री थी. She was very beautiful. वो बहुत सुंदर थी. The King of Bohemia fell in love with her. बोहेमिया का राजा उससे प्यार कर बैठा. But he could not marry her. परंतु वो उससे शादी नहीं कर सका. Because she was not of royal blood, क्योंकि वो किसी शाही खानदान या राजसी खानदान की नहीं थी. Still she had no complaint against the king, फिर भी उसे राजा के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी. She had the personal letters and photographs of the king, उसके पास राजा के व्यक्तिगत पत्र और फोटोग्राफ थे. When the king decided, जब राजा ने निश्चय किया to marry a neighboring princess, एक पड़ोस की राजकुमारी से विवाह करने का. She threatened him, तब उसने उसे धमकाया to show these things, इन चीजों को दिखा देने के लिए to the princess, राजकुमारी को, whom the king was going to marry, जिससे राजा विवाह करने जा रहा था. But she did so, परंतु उसने ऐसा किया only for her love, केवल अपने प्यार के लिए and not for money, पैसे के लिए नहीं. She was as intelligent and clever as Sherlock Holmes himself was. वो उतनी ही बुद्धिमान और चालाक थी जितना शर्लक होम्स खुद था. इवन यहां तक कि होम्स हिमसेल्फ प्रेज्ड हर विजडम, होम्स ने खुद उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की है. शी वाज सो क्लेवर, वो इतनी चालाक थी, दैट द किंग कुड नॉट गेट, कि राजा नहीं पा सका, द लेटर्स एंड फोटोग्राफ इजीली, पत्र और फोटोग्राफ आसानी से. ही हायर्ड शर्लक होम्स, उसने शर्लक होम्स को हायर किया. But Adler beat Holmes, परंतु Adler ने हरा दिया Sherlock Holmes को at his game, उसी के खेल में. At last, आखिर में, she returned the letters and photograph, उसने पत्र और फोटोग्राफ लौटा दिए without any condition, बिना किसी शर्त के. She loved the king truly, वो राजा से सच्चा प्यार करती थी, who refused to marry her, जिसने उससे शादी करने से मना कर दिया. She got married, उसने विवाह कर लिया to her old lawyer, अपने पुराने वकील मिस्टर नॉर्टन के साथ. she said that, उसने कहा कि she married a man, उसने शादी की एक व्यक्ति से, better than the king, जो राजा से कहीं ज्यादा अच्छा है. see the last question,
The story proves Holmes to be less intelligent than Miss Adler. ये कहानी सिद्ध करती है कि होम्स मिस एडलर से कम बुद्धिमान था. Do you agree? क्या आप सहमत हैं? सीधा आंसर Yes, I agree. हाँ मैं सहमत हूँ that Miss Ellen Adler was more intelligent than Sherlock Holmes. हाँ मैं इस बात से सहमत हूँ कि Miss Ellen Adler Sherlock Holmes से ज़्यादा बुद्धिमान थी. She always knew everything played by Holmes. वो Holmes के द्वारा खेली गई हर चाल को पहले से ही जानती थी. She also knew वो ये भी जानती थी that the king would get help of Sherlock Holmes. कि राजा है वो Sherlock Holmes की मदद देगा. So she kept watch. इसलिए उसने नजर रखी on him, उस पर in disguise, भेष बदलकर, and knew everything, और सब कुछ जानती थी about his step, उसके कदमों के बारे में beforehand, पहले से ही. She knew, वो जानती थी that Holmes was trying, कि Holmes कोशिश कर रहा था to get back the letters and photograph, letter और photograph वापस पाने के लिए from her, उससे. She recognized Holmes. वो होम्स को पहचान गई as the old cab driver, बूढ़े ड्राइवर के रूप. She also recognized his little trick. उस वेल्स की उस छोटी सी ट्रिक को भी पहचान गई थी to enter her house, जो उसने उसके घर में घुसने के लिए खेली थी. She knew that, वो जानती थी कि he was trying, वो कोशिश कर रहा है ट्रिक्स करने की to make her show him, ताकि वो उसे दिखा दे where the letters and photo was hidden, कि लेटर्स और फोटो कहां छुपे हुए थे. बट परंतु सी डिड नॉट रिमूव द लेटर्स एंड फोटोग्राफ फ्रॉम देयर. उसने वहां से वो फोटोग्राफ और लेटर नहीं हटाए बिकॉज क्योंकि सी डिड नॉट नीड देम एनी. अब उसे और ज्यादा उनकी जरूरत नहीं थी. ऑल दीज थिंग्स शो, ये सारी चीजें दिखाती हैं दैट की आयरन एडलर रिटर्न द लेटर्स एंड द फोटोग्राफ. की आयरन एडलर ने वो लेटर्स और फोटोग्राफ लौटाए बिकॉज सी वॉन्टेड टू डू सो, क्योंकि वो ऐसा करना चाहती थी. वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि सी हैड बीटन होम्स, उसने होम्स को हरा दिया था एट हिज ओन वे, उसी के तरीके से. स्टूडेंट्स, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके. और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है. थैंक यू.